हालात है, मैं आदमी 5-6 साल से वहाँ ड्यूटी कर रहा था और 10 महीने से उनको निकाल दिया वहाँ। आप बताओ सर, हम क्या करें, अपने आदमी को बचाएं कि अपनी लड़की को बचाएं? और सर, हमारे घर की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि हमारा आदमी खाने को घर में कुछ भी नहीं है सर। अब बताओ हम यहाँ न्याय मांगे और क्या करें सर, कि अगर आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है सर। अब आप सर, हम 29 मार्च 2012 से ओपनिंग वाले दिन से चतुर्भुज फिलिंग सेंटर अकरमपुर उन्नाव में भारत पेट्रोलियम के पंप पे काम कर रहे थे। डालने के बाद में प्रबंधक महोदय ने हमसे कहा, श्री राजन कुशल तिवारी जी ने, कि आपको अभी तक 5,000 वेतन देते थे, अब आपको 5,500 रुपये सैलरी देंगे, बाकी वेतन आप जो है बैंक से निकाल के वापस दो आके। इस फिर हमने जो है, जब उन्हें जो है बैंक से निकाल के पैसे वापस नहीं दिया, तो मान हल्दी आरोप लगा के हमें जो है नौकरी से निकाल दिया। फिर उसके बाद डीएम साहब को और एसपी साहब उन्नाव को और योगी दरबार में विंडो, सीएम विंडो में अप्लीकेशन दिया। उसके बाद में हम दिल्ली गए, वहाँ पे पीएम विंडो पर और पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हमने एक अप्लीकेशन दिया। टंकी पर कितना वेतन कर्मचारियों को दिया जाए? ऑफिशियल के निर्धारित है, पेमेंट मिलता है। कितना? 11,900 रुपये। कर्मचारियों का आरोप है कि यहाँ पर वेतन देने के बाद आप लोग दबाव बनाते हैं, उनसे पैसे वापस मांगते हैं। ऐसा कोई दबाव नहीं, ना मेरे की कोई बात किसी से, मैं इस प्रकार की किसी से बात नहीं। हरकिशोर का क्या मामला है? कर्मचारी अपने सोचा से नहीं छोड़ के चला गया, अगले दिन नहीं आया, मैंने उसको चार्जशीट भेजी, तब से उसका बराबर मैटर चल रहा है। उसका कहना है कि यहाँ निकाला गया पैसे वापस, उसको कहना, वो कर्मचारी कुछ भी कहे, किसी हम जमात नहीं रोक लेंगे।